दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल सपोर्ट चैनल बाय राहुल सहनी को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप तक पहुंचते रहेगी हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है टेक्निकल सपोर्ट चैनल बाय राहुल सहनी। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो डैग का तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको तभी कंसेप्ट समझ आएगा डैग का। अब चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इसमें क्या करना है हमें। दोस्तों हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें कोड करा हुआ है। दोस्तों इसमें कोडिंग दी गई है और इसमें कुछ वैल्यूज दी गई है और कुछ फंक्शन के अंदर वैल्यू दी गई है। दोस्तों आपको ये बस ये पोर्शन देखना है, इस गिवन पोर्शन को हम क्या करेंगे थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। थ्री एड्रेस कोड में आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेवल्स में लिख लेंगे, इसको मतलब L0 T0 इक्वल टू, सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये क्या है B+C। तो अपन T0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, B+C क्यों लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए B+C। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, T1 इक्वल टू, अब B+C क्या है T0, यानी ये T0 मल्टीप्लिकेशन D, यानी ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन बन गई, A की किस में है, A की वैल्यू यानी A इक्वल टू T1। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम E का करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लिया, हमने दो हो गए T0 T1 जो कि हमारी स्टेप क्या हो गई L1 L2। अब L3 देखेंगे जिसमें से हम ये लेंगे, और अपन ने यहाँ से क्या ले लिया T1, यहाँ से हम लेंगे T2। T2 इक्वल टू FN2। और फिर क्या करेंगे, E की वैल्यू में क्या है, E इक्वल टू क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, यानी ये होगा T2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये स्टेप लेंगे, मतलब T3 इक्वल टू B+C। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन E का, मतलब T4 इक्वल टू T3 मल्टीप्लिकेशन ई। तो ये भी कंप्लीट हो गई, और F इक्वल टू क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन होगी, मतलब ये F इक्वल टू T4। तो सेम टू सेम इसमें ऐसे ही करेंगे, T5 इक्वल टू P+C। और इसके बाद हम क्या करेंगे, T6 इक्वल टू T5 डिवाइड बाई D। और आखिरी में क्या हो जाएगा, G की वैल्यू क्या हो जाएगी, T6 हो जाएगी, जो कि ये है। और अपने लेवल क्या हो जाएंगे, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 और लेवल 10। टोटल 10 लेवल्स हो रहे हैं। इसको हमने अब क्या कन्वर्ट कर दिया, ये अपना हो गया 3 एड्रेस कोड। अब इस गिवन 3 एड्रेस कोड का हमें क्या बनाना है, डैग बनाया है, डायरेक्ट आईसाइक्लिक ग्राफ। पहली वाली इक्वेशन उठाते हैं, ये वाली B+C वाली, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कहाँ है बीच में, मतलब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से B+C है ना, B+C। ये तो दोस्तों इजी था, जैसा कि मैंने देखा आपको B+C, ठीक है। और ये B+C, और यहाँ पर देखिए T0 इक्वल टू B+C, मतलब T0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा T0। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन देखना है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, मतलब L1, जिसमें क्या है T1 इक्वल टू T0 इंटू D। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इक्वेशन क्या है इसकी, T1 इक्वल टू T0 इंटू D। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर T0 पहले से ही है, मतलब T0 कहाँ पर है, मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट में है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब ऐसा T0 इधर मल्टीप्लिकेशन, और इसके राइट में क्या है D है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आप यहाँ पर देखें, इसकी वैल्यू T1 इक्वल टू T0 इंटू D। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, T1 आएगा,
दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एल टू इक्वल टू यानी सॉरी ए इक्वल टू टी वन जो कि लेवल टू है इक्वल टू टी वन, तो हम क्या करेंगे जहाँ पे टी वन है वहाँ कॉमा लगा के ए, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद लेवल इक्वल टू एफ एन टू ए, यहाँ पर टी टू दिख रहा है क्या मगर ए दिख रहा है जो कि ए आपके इक्वेशन में लिख दिख रहा है यहाँ पर एफ एन टू ए, टी टू इक्वल टू एफ एन टू ए और यहाँ पर गिवन है ए, मतलब ये वाली ए स्टेप है तो वो भी मल्टीप्लिकेशन किधर है, मल्टीप्लिकेशन ए के लेफ्ट में है, मतलब ये चीज़ ऐसा बनेगा और इधर पे क्या आएगा एफ आएगा और इसका आउटपुट क्या है टी टू है, तो यहाँ पर क्या आएगा टी टू गया, इसके बाद ई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी टू, तो ये यहाँ लिख दिया अपन ने जैसे ही था। इसके बाद हम आते हैं टी थ्री इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये बी प्लस सी है बी प्लस सी जो कि क्या है टी थ्री, ये भी हम हो गया हमारा। हम आते हैं टी फोर, टी फोर इक्वल टू टी थ्री इंटू ई, मतलब टी थ्री ये है हमें क्या करना इंटू ई करना है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं और ई ई मतलब टी थ्री इंटू ई करना है हमें और इसका आउटपुट क्या आएगा टी फोर आएगा, मतलब टी थ्री इंटू ई ऐसा इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा टी फोर जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे टी फोर की जो भी वैल्यू थी वो एफ में आ रही थी, हम क्या करेंगे टी फोर एफ यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली स्टेप देखिए टी फाइव इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी हमने यहाँ पर क्या लिख दिया टी फाइव सही है जो कि, इसके बाद यहाँ पर देखिए टी सिक्स इज इक्वल टू टी फाइव डिवाइड डी स्लैश डी, हम क्या करेंगे टी फाइव कहाँ है स्लैश के राइट में, मतलब ये तो हम क्या करेंगे एक और बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्लैश और यहाँ पर लिख दिया डी जो कि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई टी सिक्स और टी सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं जी, एकदम छोटा डैग डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये एग्जांपल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें।